नमस्कार, मेरा नाम विशाल गुप्ता है और आज का टॉपिक है कि थर्मोडायनेमिक्स के कितने प्रोसेस हैं, टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस। तो थर्मोडायनेमिक्स जो प्रोसेस है, तो इसमें सबसे पहला प्रोसेस है हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है? आइसो का मतलब होता है सेम और थर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर। मतलब क्या हुआ कि ऐसा सिस्टम जिसमें टेम्परेचर हमारा जितने मतलब ऑल टाइम हमारा क्या हो, सेम हो, मतलब कि टेम्परेचर में कोई डिफरेंस ना हो। कोई सिस्टम है, मान लेते हैं कोई सिस्टम है, इसमें हमारा टेम्परेचर जो है स्टार्टिंग टेम्परेचर जितना हो उतना फाइनल टेम्परेचर भी हो, मतलब टेम्परेचर हमारा फिक्स हो या कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, इज कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस जब भी आता है हमें तुरंत और ये जान जाना चाहिए कि डेल्टा टी क्या होगा, हमारा ज़ीरो होगा। और आइडियल गैस के लिए हमारा डेल्टा टी अगर हमारा ज़ीरो है, मतलब कि कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब डेल्टा टी इक्वल टू ज़ीरो, तो डेल्टा ई भी हमारा जो इंटरनल एनर्जी है वो भी हमारा क्या होगा, ज़ीरो के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि ध्यान दीजिए, जो इंटरनल एनर्जी होता है वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाता है फॉर आइडियल गैस के लिए, और इंटरनल एनर्जी जो होगा वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा, और काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, इसलिए हमारा इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा, हमारा जीरो हो जाएगा। और जहाँ पे आइसोथर्मल प्रोसेस की बात होगी, तुरंत हमारे दिमाग में आना चाहिए कि हम यहाँ पे गैसीय स्टेट की बात कर रहे हैं, और बॉयल्स लॉ आना चाहिए। बॉयल्स लॉ क्या होता है? टेम्परेचर हमारा कॉन्स्टेंट होता है तो पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V। ये जो हमारा प्रेशर होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमारा वी के। और जब इसके प्रेशर और हमारा वॉल्यूम के बीच जो ग्राफ बनता है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ बनता है। ये इस टाइप का रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ बनता है, ये आइसोथर्मल प्रोसेस का। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में एक बात और हमको याद रखना है, जब भी आएगा तो P1V1 बराबर हो जाता है P2V2, एक बात ये भी याद हमें रखना है। और बॉयल लॉ भी ये कहता है कि टेम्परेचर हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे, और हमारा ये जो ग्राफ बनता है पी और वी के बीच, ये आइसोथर्मल प्रोसेस बनता है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस यहाँ पे ख़त्म हुआ। फिर सेकंड प्रोसेस होता है यहाँ पे आइसोबारिक प्रोसेस। आइसो का मतलब होता है सेम, और बारिक, बार हमको पता है कि ये हमारा प्रेशर का यूनिट होता है। तो यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर, अब ऐसा प्रोसेस जहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर पे हो, तो आप एक बात ये ध्यान दीजिएगा कि कांस्टेंट प्रेशर पे हमारे लगभग 90% रिएक्शन होते हैं। तो केमिकल रिएक्शन में आइसोबारिक प्रोसेस में 90% रिएक्शन हमारे केमिकल रिएक्शन आइसोबारिक प्रोसेस पे ही होते हैं, और यहाँ पे डेल्टा पी क्या होगा, हमारा ज़ीरो होगा। और फिर यहाँ पे पी और वी के बीच जो ग्राफ होगा, हमारा प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। प्रेशर क्या है हमारा, कांस्टेंट है, तो ये हमारा जो ग्राफ बनेगा वो हमारा सीधा, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर हमारी बात हो रही है। ठीक, अब इसके बाद आता है हमारा आइसोकोहरिक प्रोसेस। आइसोकोहरिक प्रोसेस को कहते हैं क्या है, आइसोकोहरिक प्रोसेस जहाँ पे हमारा आइसो मतलब सेम या कांस्टेंट, और कोहरिक मतलब वॉल्यूम की बात होती है, जहाँ पे वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट होता है आइसोकोहरिक प्रोसेस होता है, जहाँ पे डेल्टा वी क्या होगा, ज़ीरो होगा। जैसे कि सिस्टम है, यहाँ पे पूरे सिस्टम में हमारा जो वॉल्यूम होगा वो हमारा क्या होगा, चेंज नहीं होगा, मतलब जो इनिशियल होगा वो फाइनल भी हमारा वॉल्यूम होगा। इसी प्रोसेस को आइसोकोहरिक प्रोसेस कहते हैं। अब सेम इसके बाद क्या होगा हमारा नेक्स्ट, एडियाबैटिक प्रोसेस। अब एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है? एडियाबैटिक प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जहाँ पे हमारा हीट ट्रांसफ़र नहीं होता है, नो हीट एक्सचेंज, मतलब कि सिस्टम में हीट एक्सचेंज नहीं होगा। अब जब सिस्टम में कब हीट नहीं एक्सचेंज होगा, जब हमारा जो ये हमारा होगा, ये जो हमारा वॉल होगा या कोई भी किसी भी सिलेंडर में हमने वाटर डाला, तो ये जो सिस्टम होगा ये कैसा होगा, इंसुलेटिंग सिस्टम होगा, मतलब कि हीट अंदर से बाहर ना जा सके। तो डेल्टा क्यू हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, नो हीट एक्सचेंज, यही हमारा एडियाबैटिक प्रोसेस होता है। और ग्राफ की बात करें तो आइसोथर्मल और एडियाबैटिक में तो आइसोथर्मल का ग्राफ हमेशा इस तरह जाता है और एडियाबैटिक का स्ट्रेट रहता है,
हमेशा क्या होता है, इसकी अपेक्षा ये स्ट्रेट ग्राफ देता है एडियाबेटिक का। कभी कभी आपको एग्ज़ाम में आइसोथर्मल और एडियाबेटिक का ग्राफ बोल दे तो आपको ये याद रखना है, आइसोथर्मल हमेशा ऐसे जाएगा, ये पी और ये वी है, और एडियाबेटिक थोड़ा सा स्ट्रेट रहता है ग्राफ, थोड़ा सा स्ट्रेट ग्राफ जो बनता है वो एडियाबेटिक का बनता है। तो ये हमारे चार प्रोसेस थे, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोहरी एंड एडियाबेटिक प्रोसेस। ये चारों प्रोसेस के बाद अब अगला टॉपिक रहेगा हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस।